वेलकम टू बैक फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं सीखेंगे किसी भी एप्लीकेशन में अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इसी वीडियो में सीख लेते हैं। सिर्फ 1.5-2 मिनट का वीडियो है, अगर आप ध्यान से देखोगे। सिर्फ आगे देखना है, मैं इसी एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। ठीक है, सर चलिएगा इसे देख सकते हैं। मैं एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हूँ। आप इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे इसे टच करोगे, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा। चलो YT स्टूडियो में हमको चेंज करना है, तो YT स्टूडियो को गैलरी में ओपन कर दिया हूँ। ओपन कर देखिए, मैं अपना वाइफ का फोटो लगाता हूँ। ठीक है, लगा के देखते हूँ। तो जैसे मैं वाइफ का फोटो लगा के यहाँ, तो देख सकते हो यहाँ से चेंज हो चुका है। मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देख सकता हूँ मैं चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए गाइस देख सकते हो सारा चेंज हो चुका है। ठीक है, एक बार YT स्टूडियो में चेंज कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो नीचे, चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ। चलिए गाइस, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे YT स्टूडियो को ओपन किया मैंने, YT स्टूडियो ओपन हो चुका है YT स्टूडियो, और यहाँ पे मेरा सारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे YT स्टूडियो हो गया, पीएम किसान का एक एप्लीकेशन है मेरे पास, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुका है। ठीक है, बैक करता फ्लिपकार्ट को ओपन किया, देखिए ओपन हो चुका है। तो आप ऐसे ही अपना अपने फोन से चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा इस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो जैसा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।